गुड मॉर्निंग क्लास 10th फिर अपना टॉपिक है इसका लूणा दी पीएच है लूणा संबंधी वधेरे जानकारी जिन्हें इंग्लिश टॉपिक है मोर अबाउट सॉल्ट्स एंड द पीएच ऑफ सॉल्ट ठीक है ना बट सब तो पहले आप देखना है कि जी पीएच है सॉल्ट की किन्नी होंगी है ठीक है ना तो सॉल्ट की पीएच तो आप की पता चलता है अपना ठीक है पर जो सॉल्ट्स है वो एसिडिक भी हो सकते हैं बेसिक भी हो सकते हैं न्यूट्रल भी हो सकते हैं मतलब जो सॉल्ट है लूण है तेजाबी खारी उदासीन तीनों हो सकते हैं पर उन्हें पता कि मैं चलेगा कि सॉल्ट तेजाबी कि खारी तो किमें उदासीन है पर आप एक चीज़ याद रखनी है तो सबन पता है कि जो अपने को एसिड तो बेसिस मिलते हैं ठीक है ना तो की बनता अपने को लूण बनता है तो पानी बनता है ठीक है ना मेन चीज़ अपने को एसिड तो बेसिस मिलकर बनाते हैं लूण तो पानी हुण आपां एक चीज़ देखनी है जे अपने कोल एक स्ट्रोंग एसिड है एक शक्तिशाली तेजाब है ठीक है ना वो वीक बेस नाल क्रिया कर रहा है की बनेगा अपने कोल जिहड़ा शक्तिशाली वो अपना इफेक्ट दिखाएगा ठीक है ना इसका मतलब की है जो सॉल्ट किवें दा बनेगा वो बनेगा तेजाबी ठीक है ना पर जे अपने कोल होवे बड़ा स्ट्रोंग सॉरी बेस ते वीक एसिड तां की होएगा अपने कोल बेसिक बनेगा या की बनेगा अपने को खारी पर जे बटे अपने को दोनों ही स्ट्रोंग होन स्ट्रोंग एसिड स्ट्रोंग बेस ठीक है तो की बनेगा उदासीन बनेगा ना तो यह खारी बनेगा ना ही तेजाबी बनेगा पर एक आप होर चीज़ भी देखनी है असं किसी सॉल्ट तो किए पता कर सकते हैं कि किस एसिड तो किस बेस तो बने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा हूँ सपोज आप NaCl दिता वे तो आप करना है असं देखना है कि तेजाब तो किड़े खार तो बने तो सिलेक्शन उल्टा कर लो बेटा सॉल्ट च पानी पा दो तो की करांगे आपां Na च पाया H2O तुहानू पता है Na विच Na आयन है Cl आयन है ठीक है ना H विच H पॉजिटिव ते OH नेगेटिव Na जाएगा OH कोल तां की बनाएगा NaOH और H जाएगा Cl कोल तां की बनाएगा HCl इसका मतलब की है जिहड़ा अपने कोल NaCl है वो NaOH ते HCl दोनों का की बनया होया दोनों एसिड ते बेसिस तो बनया होया असीं बेटा कोई भी सॉल्ट एवें लै सकते हैं जो मैगनीशियम कदा अपने को क्लोराइड है तो कि मैं पता करांगे पानी च पाया ठीक है ना सेम उदा ही मैगनीशियम प्लस टू Cl माइनस वन H प्लस टू प्लस OH माइनस वन तो यह अपने को हाइड्रोक्साइड को बनेगा मैगनीशियम हाइड्रोक्साइड तो HCl असं किसी भी साल्ट सॉल्ट दे विच केड़ा तेजाब या खार पाया गया असं पता कर सकते हैं इस रिएक्शन दे राही ठीक है ना तो मैं दस चुकी हूँ ऑलरेडी आपां देखना है कि जो तेज अपने को सॉल्ट हैगा वो किसका बनया पाया स्ट्रोंग एसिड वीक बेस का स्ट्रोंग बेस वीक एसिड का या दोनों ही स्ट्रोंग का या दोनों ही वीक का ठीक है ना तो की होएगा अपने को जो सॉल्ट का अपने को भी कहते नेचर है सुभा है वो उस चीज़ पर डिपेंड करेगा ठीक है ना बड़ा पीएच चेक करांगे जे अपने को किसी की पीएच जी हैगी सॉल्ट की सत्त तो घट आ रही है तो की होएगा तेजाबी होएगा सत्त तो वध आ रही है तो की होएगा खारी होगा जो सत्त आँदी तो की होएगा अपने को उदासीन ठीक है ना बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना नैक्सट सधारण लूण तो रसायण ठीक है ना पर सधारण लूण की होंगे अपना एडिबल सॉल्ट कह दें असं NaCl कह दें हाइड्रोकलोरिक तेजाब से सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल घोल आपसी क्रिया के बाद की बनता अपने को सोडियम क्लोराइड मैं ऑलरेडी दस चुकी हूँ कि सोडियम क्लोराइड है अपने को किस तो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड तो हाइड्रोजन क्लोराइड तो यानी कि HCl तो जिन्होंने बोलते हैं हाइड्रोकलोरिक एसिड ठीक है ना बड़ा कहने समुद्री जो जो लूण है अपने को समुद्र तो मिलता है समुद्री पानी तो मिलता है ठीक है ना पर उसकी होंगे अपने को अशुद्धियां होंगे ठीक है ना रॉक सॉल्ट कहने असं उस रॉक सॉल्ट की करते हैं बेटा असं दोबारा तो जो है अलग अलग प्रोसैसिज ठीक है ना उन्होंने क्रिस्टलाइज करके की करते हैं नवा सॉल्ट बनाते हैं जिन्होंने क्रिस्टलीकरण पहला पढ़ चुके हैं क्लास नाइन के ठीक है पर हम सधारण लूण हैगा और रसायण कच्चा पदार्थ है आप किवें पता करना है कहने जो सधारण लूण हैगा इस तो बहुत सारे जो रसायण बनते हैं जिमें कॉस्टिक सोडा बनता है ठीक है ना मिठा सोडा जिन्होंने बोल दें असं बेकिंग सोडा वॉशिंग सोडा रंग काट न बोल दें असं ब्लीचिंग पाउडर ठीक है ना तो उस तो बाद कि सारे पदार्थ कच्चा पदार्थ है किवें पता करना है कच्चा पदार्थ हैगा ठीक है ना पर असं क्रिया करनी जिन्होंने बोलते हैं क्लोर अलकली प्रोसैस तुम दिख रही है क्लोर अलकली प्रोसैस पर इस हों की है क्लोर अलकली का मतलब की है जिस क्रिया के एक अपने को क्लोरीन गैस बने तो अलकली मतलब वॉटर सॉलेबल बेस बने पानी घुलन वाला बेस जिन्होंने बोल दें पानी में घुलन वाला खार बने उसनों की बोल दें असं क्लोर अलकली प्रोसैस यह नाम है अपने को क्लोर अलकली प्रोसैस पर होंगे की है सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन के सोल्यूशन का मतलब कि पानी च पाया जाता है ठीक है ना इन बोलते हैं इंग्लिश असं ब्राइन की वर्ड यूज़ करते हैं ब्राइन ब्राइन इज़ अ मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वॉटर ठीक है ना हुण असीं की कीता बच्चे सोडियम क्लोराइड के पानी के मिक्सर के असीं की कीता बच्चे इलैक्ट्रिक करंट पास किया ठीक है ना जिवें असीं करंट पास करांगे तो बेटा की होएगा अपने कोल
करंट पास करन ते सोडियम बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड नाल की बनेगा एच टू ते सी एल टू ठीक है। बट अपने कोल बनता किवें देखो ध्यान दे नाल जिहड़ा अपने कोल सॉल्ट नू पानी विच पा के करंट पास करन ते बनता है कैथोड ते जांदी अपने कोल हाइड्रोजन गैस कैथोड की अपना नैगेटिव पार्ट और एनोड ते की जांदा अपने कोल पॉजिटिव पार्ट ते सॉरी सोड अपने कोल की है नैगेटिव एनोड की अपने कोल पॉजिटिव तो कैथोड से कड़ी गैस आती है बेटा हाइड्रोजन और पॉजिटिव से कड़ी आती है क्लोरीन एच तुम्हें पता ही है कि एच कूड़ा होंगे पॉजिटिव होंगे तो नैगेटिव को जाएगा क्लोरीन जोड़ा होंगे नैगेटिव होंगे पॉजिटिव को जाएगा ठीक है ना। इसलिए कि होंगे अपने को याद रखने ले भी याद रख जो पॉजिटिव है नैगेटिव को जाएगा जो नैगेटिव है पॉजिटिव को जाएगा तो कैथोड तो एनोड तो जो है रिपोजिट हो गए पर काम की है आप याद रखना ना काम की है देखो ये बालण मतलब अपने को है एज अ फ्यूल यूज होंगे ठीक है ना। माजरीन जो अपने को जो अपने ऑयल्स है ठीक है तुम पहला पढ़ चुके चैप्टर नंबर 4 के विच कि अपने वनस्पति ऑयल तो घी बनाने के लिए किड़िया जी है यू ये चीज़ जी एच टू है यूज होंगे ठीक है ना। और खाद लिए अमोनिया जो अमोनिया बनाने के लिए तो पता अमोनिया फॉर्मूला की होंगे एन एच थ्री तो अमोनिया बनता कितों बनता अपने को हाइड्रोजन तो ठीक है ना। उस वजह क्लोरीन का की है पानी की स्वच्छता क्लीनलीनैस ऑफ वाटर के लिए स्विमिंग पूल्स पाने अं क्लोरीन गैस में पीवीसी बनाने के लिए यूज करते हैं ठीक है ना। जो अपने को अलग अलग तरह के जो पेस्टिसाइड इंसैक्टीसाइड उस क्लोरीन गैस जी है यूज होंगी है ठीक है। उस बाद अपने को जो एन ए ओ है सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो कितने यूज होंगे धातों तो ग्रीस तरन के लिए ठीक है ना। जो एक्सट्रैक्शन होंगी है मैटल्स उ यूज होंगे बच्चे अपने को डिटर्जेंट बनाने लिए यूज होंगे पेपर फैक्ट्री बनाने से यूज होंगे पेपर बनाने के लिए ठीक है ना। तो सारे जो अपने को बच्चे दसे हुए है ये अपने को कितने कितने यूज होंगे अपने एक बार डिस्कस करना है। तो मेन टॉपिक की आते हैं इस तो बाद सब तो पहला ब्लीचिंग पाउडर की रंग काट पाउडर की है पर ब्लीचिंग पाउडर जोड़ा होंगे ना कि पैदा होंगे जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस पास करते हैं तो एक कंपाउंड बनता अपने कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर ठीक है ना। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के क्लोरीन गैस पास करने का की होना बच्चे सीधे गल देखो बेटा अपने को होएगा क्लोरीन के अपने को बनया हूँ ध्यान देना मैं तुम डायरेक्शन करके दिखाने लगी हूँ बेटे वाली कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड है ठीक है ना। असं की किया बच्चे क्लोरीन गैस पास कर रहे हैं तो क्लोरीन की है सी एल सी एल बोन बनी हुई सिंगल है ना। तो जो एक सी एल जाएगा अपने को एच दे कोल तो बनाएगा एच सी एल पिछे की बच गई अपने अपने को सी ए ऑक्सीजन बच गई तो सी एल टू बच गई सी एल बच गया ठीक है ना। तो बच्चे यदि असं वैलेंसी अकॉर्डिंग सैटअप करेंगे तो की बनेगा अपने को सी ए ओ सी एल टू जिन्होंने अभी बोल दें ब्लीचिंग पाउडर तो नाल की बनता अपने को सॉरी वाटर नाल की बनता अपने को वाटर ठीक है। अपने को बनया ब्लीचिंग पाउडर बनया तो नाल बनया वाटर पर ब्लीचिंग पाउडर अपने को है ये की यूजिज आप यूजिज भी नाल नाल लर्न करने हैं ठीक है। जब बच्चे कॉटन ते लिनन की इंडस्ट्री है उत्थे यूज होंगे ठीक है ना। अपने को जिहड़ियां पेपर मैनुफैक्चरिंग फैक्ट्रीज है उत्थे यूज होंगे वह की करन वास्ते उन डी कलर कलर करन वास्ते रंग उड़ाने वास्ते ठीक है ना। उस तो बाद एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होंगे जो पीण वाला पानी है अपने को ठीक है ना जिन्होंने आप कह दें पोर्टेबल वाटर है ठीक है ना। उन्होंने की करने बैक्टीरिया रहित करने जीवाणु रहित करने बैक्टीरिया खत्म करने के लिए आप यूज करते हैं रंग काट पाउडर ठीक है ना। तो बच्चे रिएक्शन बहुत चंगी तरह याद करनी है कि अपना जो ब्लीचिंग पाउडर है वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड न जो आप क्लोरीन ना रैक्ट करवाने का की बनता अपने को कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड बड़ा कई बार नाम भी आता अपन कि रसायनिक नाम की है रसायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बट कॉमन नेम की ब्लीचिंग पाउडर के नाल की बनता बच्चे अपने को एच टू पर नैक्सट जी क्रिया हैगी अपने को है बेकिंग सोडा या मिठा सोडा बनाना ठीक है ना। पर बेकिंग सोडा किमें बनता सबन पता कि बेकिंग सोडा किचन के यूज होंगे ठीक है ना। वो की काम है बेटा यू बनाना किमें अपने सब तो पहला ठीक है ना सोलवेज प्रोसैस भी बोलते हैं आप बनता किमें ध्यान देखो बेटा पर अपने को सोडियम क्लोराइड है ठीक है ना। इन्हें अं बोलते हैं अमोनिया सोडा प्रोसैस बट अमोनिया की होंगी है एन एच थ्री सोडा की होंगे बट आप पानी के जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाने तो की बनता अपने को सोडा बनता है सोडे की पाने असी नमक पाने ना वो गैस में रिलीज़ करवाने लिए तो अमोनिया तो सोडा ठीक है ना। अमोनिया सोडा प्रोसैस याद करने वास्त सौख है आप जनरली इदा याद नहीं कर समझाते बट आप सिंपल समझाने के लिए मैं तुम समझा रही हाँ। अमोनिया सोडा पाया तो बनया की बेटा अपने को सारा कुछ बन के निकलना एन ए
ठीक है, NH नहीं लगाना, Cl को तब बनाना है NH4Cl, पिछे की बच गया NaH2OCO2। तो मैं दस्या कभी भी सीओ टू पावे तो की बनता अपने को कार्बोनेट बनता है, बट अपने को हाइड्रोजन भी हैगी की बनेगा अपने को सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट, की बनेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बोल दें बेटा, अदर नेम हैगा बेकिंग सोडा, ठीक है ना, की नाम है बेकिंग सोडा। तो देखो अमोनिया ने जाना है अपने को Cl को तो बनेगा अमोनियम क्लोराइड, तो पिछे की बच गया अपने को, अपने को बच गया Na, ठीक है, CO2 ते H बच गया, ठीक है ना। तो सब नु पता है कि जो CO2 यूज होंगे तो कार्बोनेट्स बनते हैं, पर उरे हाइड्रोजन भी हैगा तो की बनेगा हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। पर जिमें असी इस हाइड्रोजन कार्बोनेट नु फरदर हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो की बनता अपने को सोडियम का कार्बोनेट बनता है, वाटर बनता है, तो बनता है अपने को CO2, ठीक है ना। जो अपने को Na2CO3 बनता है, बेटा बोल दें असी बेकिंग सोडा, ठीक है ना, कि बोल दें सॉरी वॉशिंग सोडा, की बोल दें इनू वॉशिंग सोडा। ये अपने को बेकिंग सोडा है बेटा, ये अपने को है वॉशिंग सोडा, क्लीयर अबाउट दिस बेटा। तो अपन याद रखने के लिए इदा ही यूज़ करना है। हूँ बच्चे अपने को उरे है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के की यूज़ है, पर जो बेकिंग सोडा यूज़ की है, पहली गल तो बेकिंग सोडा जो है कहें हल्के टार्टरिक तेजाब न मिलता है, ठीक है ना, तो की बना बेकिंग पाउडर बना, पर जो बेकिंग सोडा के करा असी हल्के तेजाब मिक्स करा तो की होंगे अपने को जो टार्टरिक एसिड है अपने को बनेगा अपने को बेकिंग सोडा बनेगा, सॉरी बेकिंग पाउडर बनेगा। तो बेकिंग पाउडर अपना आंदा है कि एक्चुअल बेकिंग सोडा प्लस माइल्ड एसिड लाइक टार्टरिक एसिड, ठीक है ना। उस तो बाद बच्चे अपने को है नैक्सट अपने को इस क्रिया कहने जी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होंगी है पिछली क्रिया के लिए, उन्हों पर कितने यूज़ करते हैं, रोटी केक में उभारण के लिए यूज़ करते हैं। जो आप देखते हैं केक्स बनाने असं तो बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, वह सॉफ्ट स्पॉन्जी हो जाता है, ठीक है ना। बट नैक्सट गल अपनी यह है कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो एंटासिड का भी एक पार्ट है, जो मैदे में तेजाब उदासीन करने का काम करता है, मतलब जो अपन फरदर एसिडिटी हुई पी है तो अपन कौन न्यूट्रलाइज करेगा, जिहड़े कार्बोनेट्स हैगे हैल्प करते हैं करन वास्ते। सपोज अगर घर ईनो नहीं हैगी या एंटासिड टैबलेट नहीं हैगी तो आप की करांगे, थोड़ा जहा बेकिंग सोडा पानी मिला के भी असं लै सकते हैं, ठीक है ना, वो भी की करेगा बेटा थोड़ी जी एसिडिटी है खत्म करने के लिए हैल्प करेगा। पर नैक्सट क्वेश्चन है, नैक्सट है अपने को जो वॉशिंग सोडा बनाया से बेटा वे की यूजेज है। बेटा जे अपने को Na2CO3 बनता है वो सिंपली अपने को सोडियम कार्बोनेट है, वो वॉशिंग सोडा नहीं है। जो असं इस सोडियम कार्बोनेट के 10 अमाउंट ऑफ वाटर पाने तो की होंगे, ये वाटर जोड़ा है वह क्रिस्टल इकट्ठा हो जाता, तो की बनाता वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिन्हें अं बोल दें क्रिस्टलीकरण का पानी, ठीक है ना। पर पानी अपने को अंदर जाता है उस तो बाद बनता अपने को वॉशिंग सोडा। जे मैं कहूँगी आह की है, तुम बोलोगे सोडियम कार्बोनेट, बड़े पूछूंगी यह की है जिस 10 अमाउंट ऑफ वाटर है तो की बनेगा अपने को, दिस इज कॉल्ड एज योर वॉशिंग सोडा। ये बच्चे यूजेस कितने कितने है, एक कच के उद्योग काम आता है, साबण तो कागज़ उद्योग काम आता है, ठीक है ना। इन द पेपर इंडस्ट्री, इन द सोप मैनुफैक्चरिंग एज वैल एज इन द मैनुफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, ठीक है ना। पर यह प्रयोग जो है अपने को बोरेक्स के निर्माण लिए किया, बोरेक्स अपने को एक यौगिक है बेटा, कंच वर्गा यौगिक है, जिसे निर्माण के लिए अपने को किया जाता है, ठीक है ना। उस तो बच्चे यदा प्रयोग अपने को सफाई वजो भी किया जाता है, सफाई वास्ते कहदे वास्ते, अपने कपड़े की सफाई करते हैं असं, ईवन फर्श फूश धोने लगे तुम यूज़ करते हो, ठीक है ना। होर बहुत जगावान जो है अपने को सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सॉरी सोडियम कार्बोनेट अपने को यूज़ होंगे, बट विद 10 अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है ना। जो बच्चे पानी स्थाई कठोरता हटाने लिए पढ़िया से चैप्टर नंबर 4 दे, पानी कठोर होंगे कि अपने को हल्का होंगे, मतलब हार्ड वाटर है कि सॉफ्ट वाटर है, वाटर की हार्डनैस को रिमूव करने के लिए भी यूज़ होंगे। पर अगला अपना टॉपिक है कि लूणा के क्रिस्टल असल च सुके हैं, ठीक है ना। इंपोर्टेंट की है ये, आर द क्रिस्टल रियली ड्राई, पर रियली ड्राई मतलब की है, कहिंदे कॉपर सल्फेट लै लिया बेटा, असी कॉपर सल्फेट नूं ना एक टेस्ट ट्यूब दे विच पाया, उन्हें हीट किया, हीट करन तो बाद की होया बच्चे, तो हीट करन तो बस देखोगे कुछ ड्रॉपलेट्स वाटर जिहड़ियां हैगियां आस पास सरफेस ते आ जांदियां। इहदा मतलब है कि जो कॉपर सल्फेट आ सुक्का नहीं है, ठीक है ना, उहदे विच की है कुछ ड्रॉपलेट्स अपने कोल वाटर दी हैगी, मतलब वाटर किहड़ा वाटर है अपने कोल, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है ना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण दा पानी। उह उपर पढ़िया सीगा 10 अमाउंट ऑफ वाटर है, कॉपर च की होंदा अपने कोल 5 अमाउंट्स ऑफ वाटर होंदा, CuSO4.5H2O, ठीक है ना। मतलब जो पानी की अमाउंट अपने को भी की होंगी है बेटा, फिक्स होंगी है, ठीक है ना। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है कुछ खास अमाउंट का पानी, ठीक है ना। पर हम पानी हैगा अपने को बेनीफिट कितने कितने, अपन कहने खुश्क रहने वाले दिखाने वाले क्रिस्टल है, उन्होंने कहते क्रिस्टली जल होंगे, इसलिए गिले सुके नहीं होंगे, उन्होंने अंदर की है पानी प्रेजेंट है, ठीक है ना। और पानी निश्चित होंगे, जिम्मे कॉपर में कि 5 अमाउंट है,
सोडियम कार्बोनेट विच किन्ना 10 अमाउंट है। इस तरीके ने अपने जो पानी होंगे वो क्यों फिक्स होंगे, ठीक है ना। बट इतने अपने को पानी वाला टॉपिक क्यों यूज़ कर रहे हैं, किमें यूज़ कर रहे हैं, ध्यान देखियो। सब नूं पता प्लास्टर ऑफ पैरिस की होंगे, ठीक है ना। प्लास्टर ऑफ पैरिस बेटा की अपने को जिन्हों असं बोल दें POP, ठीक है ना। अपने घर के भी यूज होंगी है POP, अपनी अंदर इंटीरियर्स बनाने वास्ते। असं जो कई बार असं अपने प्रैक्टिकल्स बनाने प्रोजेक्ट्स बनाने उत्थे भी असं POP यूज़ करते हैं। एक वाइट कलर का पाउडर आता जिन्हों असं करते हैं पानी से मिला के हार्ड करके कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है ना। बड़ा जो POP है, ठीक है, जिन्हें प्लास्टर ऑफ पैरिस कहने वह नाम है कैल्शियम सल्फेट हैमी हाइड्रेट। उस क्या अद्धा अमाउंट ऑफ पानी होंगे CSO4.5H2O, दैट इज कॉल्ड एज प्लास्टर ऑफ पैरिस। जो अपन डेढ़ अमाउंट ऑफ पानी मिलाते हैं तो की होंगे अपने को एक हार्ड सबस्टांस जिप्सम बन जाता है। पर जिप्सम का फॉर्मूला की है CSO4.2H2O। दोनों का एक्चुअल कैमिकल फॉर्मूला सेम है बट वॉटर का फर्क है, इसलिए की नाम है प्लास्टर ऑफ पैरिस का नाम की है जिप्सम, ठीक है ना। बड़ा जिमें ही अपना प्लास्टर ऑफ पैरिस एक बार जिप्सम बन जाएगा दोबारा रीमोल्ड नहीं किया जा सकता। रीमोल्ड का मतलब है दोबारा कुछ इतों नहीं बनाया जा सकता, ठीक है ना। तो बड़े बड़े जो अपने टॉपिक है कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है ना ऑलरेडी, ठीक है। मैं तुम सारा टॉपिक करवा चुकी हाँ तो अपने कुछ क्वेश्चन रिलेटेड है, तो जी एक्सरसाइज क्वेश्चन है आप नैक्सट वीडियो करा, ठीक है।